नमस्कार, आपका स्वागत है निफ्टी अपडेट में। आज हम बात करेंगे SBI शेयर के बारे में और SBI के Q4 रिजल्ट्स को भी देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा PSU बैंक है। आज यानी 10 मई को SBI ने अपनी Q4 अर्निंग्स को पब्लिश किया। Q4 अर्निंग्स के पॉजिटिव डेटा के कारण आज के ट्रेडिंग सेशन में SBI में 2.5% का बुलिश मूव देखने को मिला। SBI का Q4 का नेट इंटरेस्ट इनकम 14.9% बढ़कर 22,954 करोड़ हुआ है, कंपेयर टू प्रीवियस Q4 NII ऑफ 19,974 करोड़। SBI का Q4 नेट प्रॉफिट 838.4 करोड़ हुआ है, पिछले साल Q4 में 7,718 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था। और SBI का Q4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% बढ़कर 16,933 करोड़ हुआ है, कंपेयर टू FY18 Q4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15,883 करोड़। मार्केट एनालिस्ट ने 4,800 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेट किया था, पर SBI Q4 का प्रॉफिट 838 करोड़ ही हुआ। इसका मेन कारण प्रोविजनिंग है। SBI ने इस क्वार्टर में 16,501 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। अगर इसको हम पिछले क्वार्टर की प्रोविजनिंग 6,000 करोड़ से कंपेयर करें तो 174% ज़्यादा है। SBI अपने NPA को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अगले 2 सालों तक SBI के प्रॉफिट्स और बैलेंस शीट पर इसका प्रेशर बना रहेगा। कंपेयर टू अदर PSU बैंक्स, SBI सबसे अच्छा स्टॉक हो सकता है। पिछले कुछ सालों से PSU बैंक्स और कुछ प्राइवेट बैंक्स बैड लोन्स के कारण बढ़ते हुए NPA से परेशान है और इसका प्रेशर उनकी बैलेंस शीट्स पर और फाइनली उनके शेयर प्राइस पर हुआ है। पिछले 10 सालों में PSU बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आज के ट्रेडिंग सेशन में SBI ने 301.80 रुपये पे ओपन हुआ और 2 बजे तक फ्लैट एंड नेगेटिव ट्रेड करता रहा। उसके बाद मार्केट मेकर्स ने अपना गेम खेला और सबके स्टॉप लॉस हिट करवा के एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिया। शेयर ने 310 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन में SBI ने 2.5% ऊपर चढ़कर 308 रुपये पे क्लोज हुआ। अगर आज किसी ट्रेडर ने SBI में ORB स्ट्रेटेजी को यूज किया होता तो दोनों साइड के ट्रेड्स ट्रिगर होते और टारगेट भी अचीव किया होता। यह तो हुई SBI की बात, पर आज का टॉप गेनर था ZEEL एंटरटेनमेंट का शेयर, जो आज 3.5% ऊपर चढ़कर बंद हुआ है। ZEEL ने 8 मई को अपने Q4 रिजल्ट्स को अनाउंस किया था। उस दिन शेयर 12% से ज़्यादा टूटा था। उसके बाद ZEEL में पिछले 2 दिनों में एक साइड मोमेंटम हुआ है। आज भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिला और शेयर 3.5% ऊपर चढ़कर 370.50 रुपये पे क्लोज हुआ। ZEEL के प्रोमोटर्स अपने स्टेक का 50% स्ट्रैटेजिक सेल करने वाले हैं। इसके कारण ZEEL में वॉलिटी बहुत हो गई है। आज निफ्टी इंडेक्स में 11,314 पे ओपन होने के बाद इंडेक्स पूरे सेशन में 11,350 और 11,250 के रेंज में निफ्टी ने ट्रेड किया। बाकी निफ्टी गेनर्स में टाइटन 2.54% चढ़कर 11,029 पे क्लोज हुआ। भारतीय एयरटेल 1.92% चढ़कर 321.50 पैसे पे क्लोज हुआ और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1.86% चढ़कर 694 पे क्लोज हुआ। आज के टॉप लूजर्स में टाटा स्टील 6.2% गिरकर 486.95 पैसे पे क्लोज हुआ। HCL टेक 4.54% गिरकर 1085 पे क्लोज हुआ। येस बैंक 3.46% नीचे 164.40 पैसे पे क्लोज हुआ। इंडसइंड बैंक 3% नीचे 1431 पे क्लोज हुआ। IOC 2% गिरकर 147.50 पे क्लोज हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और आप ऐसे डेली निफ्टी अपडेट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।